सो लेट मी ब्रीद फर्स्ट, लेट मी ब्रीद, क्योंकि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से बोलूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ. मतलब दिस इज़ द मैजिक ऑफ मोहित सूरी. बहुत कम लोग जो आज के नब्बा नब्बी हैं, जो छोटंके टाइप के, जो नए नए क्रिटिक्स आ गए हैं, नए नए रिव्यूअर आ गए हैं, उन्हें घंटा नहीं पता मोहित सूरी क्या चीज़ है. ये मोहित सूरी वो चीज़ है, मूवी बनाता है, इतनी शिद्दत से मूवी बनाता है. लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इसकी मूवी नहीं चलेगी, लेकिन जब लास्ट में जब ओवरऑल कलेक्शन देखा जाता है, बहुचर्चित फिल्म की बात आती है कि इस साल या इस महीने या इस दौर में कौन सी सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म थी, वहाँ पर नाम मोहित सूरी की फिल्म का आता है. हमने आशिकी 2 के साथ देखा, हमने मलंग के साथ देखा, और भी जितनी सारी मूवी आई है हमने सबके साथ ये देखा. तो अभी मैं थोड़ी देर पहले जो है वो आपको पूरा किस्सा मैं बताता हूँ, तो उसके लिए वीडियो पूरा देखें. अभी जो इवेंट चल रहा है, जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट चल रहा है, उसमें जॉन अब्राहम आए, अर्जुन कपूर आए, तारा सुतारिया आई, दिशा पटानी आई, लेकिन जब एंट्री मारी ना मोहित सूरी ने, मुझे यार लगा कि ये पता नहीं, मतलब ठीक है उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन कितनी क्या लाजवाब या पर्सनैलिटी है उस बंदे की. मतलब इतना डेसिंग लग रहा था, मुझे लग रहा था असली हीरो यही है. और बाकी में इस पूरी कहानी का जो हमारे सामने अभी ट्रेलर निकाल के रखा गया है, मतलब लोगों को, लोग बहुत गुस्से में थे और पर्सनली मुझे भी कहीं ना कहीं चिढ़ आ रही थी, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे से वेट कर रहा हूँ. एक तो टाइम कुछ इन्होंने अनाउंस नहीं किया था कि ट्रेलर कब लाना है कब नहीं लाना, कुछ भी इनका फिक्स नहीं था. कल पोस्टर निकाले थे, अब पोस्टर में दिशा पटानी दिख रही थी और अर्जुन कपूर थे, तारा सुतारिया थी और जॉन अब्राहम थे, तो वो पोस्टर में सब लोग जो है वो टाइम ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा पिघल गया था वो पोस्टर देख के, और मैं वहाँ पे ब्रांड ढूंढ रहा था जिस ब्रांड के लिए दिशा पटानी को जाना जाता है. तो फाइनली तब भी टाइम नहीं बताया गया, अभी भी सुबह से मैं 10 बजे से देख रहा हूँ, फिर पता चला कि चलो 2:45 पे आएगा, तब भी नहीं आया, 2:45 हो गया, फिर बोला 3 बजे आएगा, 3 बजे भी नहीं आया, फिर देखा मैंने 3:15 पे आएगा, तो फाइनली 3:17 या 3:18 पे ट्रेलर जो है वो टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया. और ट्रेलर जब मैंने देखा, मैं मतलब मेरे न जाने कितने बार रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब आपकी कोई, आपने जो कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में जो फिल्में देखी हैं उनका पार्ट बन के आता है, और थोड़ी सी आपको वही वाइब्स मिल जाती हैं, तो मतलब ऐसा होता है, मेरे साथ ही नहीं बहुत से लोगों के साथ होता है, वही कुछ फील हुआ पूरा ट्रेलर देख के. इतना लाजवाब मुझे वो ट्रेलर लगा है, सब कुछ है उसमें, एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिल है, सारी चीज़ें हैं. और गाने तो मतलब जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, हमने कितनी बार बात की है कि जो एक विलन का म्यूजिक था, क्या उसको इस एक विलन रिटर्न्स का म्यूजिक मैच कर पाएगा. 2 गाने ट्रेलर में बजे हैं, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं, इस साल का सबसे बढ़िया लव एंथम, रोमांटिक नंबर, जो आप बोलना चाहें वो आपको सुनने को मिलेगा. जब भी आए जो ट्रेलर में शुरू में बजता है गाना, आप उस ट्रेलर में ही सुन के खो जाएंगे, और वही फील आएगी जो एक विलन के टाइम पे आई थी, तेरा नाम दिल रख दिया, इस तरह का कुछ टाइटल है, आप जाके सुने. तो जिस चीज़ का मुझे फाइनली इंतज़ार था, इस गाने का, इसका म्यूजिक, वो इसमें परफेक्ट लगा मुझे, कि हाँ म्यूजिक थोड़ा बहुत उस तरह का आएगा या शायद उससे और अच्छा है. और दूसरा, क्या उस तरह की वाइब आ पाएंगी इस वाली मूवी में, उस तरह का फील आ पाएगा, तो बिल्कुल आएगा. जहाँ पर लास्ट में जब ट्रेलर ख़त्म होता है और वहाँ पर जो गाना बजता है, गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ गलियाँ गलियाँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है इसको, क्योंकि गलियां इतना सुपरहिट गाना था उस टाइम पे, बच्चे बच्चे की जुबान पे वो गाना था. और मुझे याद है एक उस टाइम पे हनी सिंह का कोई रॉक स्टार करके शो आता था, उसमें ऋतुराज मोहंती ने जिस तरीके से वो गलियां गाया था, उसके बाद वो और फेमस हो गया था. और अंकित तिवारी को आजकल हम बहुत कम सुनते हैं, मतलब उनके गाने वाने आते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो फील भी आई. अब थोड़ी सी ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर में पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया है कि देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि कहानी ख़त्म हो गई थी, तो ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है. जहाँ उन्होंने एक विलन की कहानी छोड़ी थी, रितेश देशमुख जो एक सीधा साधा सा इंसान था जो लड़कियों को मारता था, वहीं से कहानी ये आगे बढ़ने वाली है, तो उसका ही ये दूसरा पार्ट होने वाला है, इतना शुरू में ही उन्होंने कंफर्म कर दिया. फिर जॉन अब्राहम की एंट्री होती है, अर्जुन कपूर की एंट्री होती है, दिल टूटे जो आशिक होते हैं, जो वन साइडेड लवर होते हैं, उनका मसीहा बनना चाहता है. अब कौन बनना चाहता है वो मूवी देख के पता चलेगा, क्योंकि ये मोहित सूरी की फिल्में हैं. ट्रेलर से कभी इंसान डिसाइड नहीं कर पाया कि इसमें कौन हीरो है, कौन विलन है, क्या होने वाला, क्या नहीं हुआ. मैं आपको बताता हूँ कैसे. शुरू में लगता है जॉन अब्राहम, ये सारा कुछ जॉन अब्राहम कर रहे हैं. फिर एंट्री होती है एक कपल की, तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर की. और अर्जुन कपूर का तो मुझे, मतलब मैं ट्रेलर इतना खो गया था. जॉन अब्राहम की एंट्री होती है और मतलब सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो एक जो माहौल बनना था, मुझे अर्जुन कपूर तब नोटिस किया मैंने, मैं तो इतना खो गया था ट्रेलर में, मैंने अर्जुन कपूर को तब नोटिस किया जब वो कहते हैं मत छोड़ वो गाड़ी के पास, तब मैंने कहा अर्जुन कपूर भी है. और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अर्जुन कपूर को
ठीक, मतलब ठीक लगा है मुझे इस ट्रेलर में। लोग पता नहीं उनके नाम से ही चिढ़ खाते हैं, क्या है क्या नहीं है, जब से उन्होंने वो मलाइका के साथ सेट हुए हैं तो तब से ये जो भाईजान के फैन हैं उनने पता नहीं ये क्या परसेप्शन बना लिया है कि अर्जुन की कोई मूवी आना है तो उसको पेल नहीं पेलना है। बहुत अच्छा लगा है इसमें अर्जुन, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कड़ी टक्कर दी है जॉन अब्राहम को। जॉन का वही अकड़ वाला अंदाज, मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं साथी फुला के, वही कुछ नया देखने को नहीं मिला है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगती है मोहित सूरी की, उनकी कहानी, उनका विज़न, उनका थॉट प्रोसेस, उनका म्यूजिक, जिस तरीके से वो हमारे सामने पेश करते हैं काबिले तारीफ है। सबसे अंडररेटेड डायरेक्टर मैं मानता हूँ आज की डेट में मोहित सूरी बॉलीवुड का। इसमें उन्होंने आग लगा दी है, मैं लिटरली बता रहा हूँ आग लगा दी है। और दोनों की भी जो फाइट हो रही है, अर्जुन कपूर लड़ रहे हैं, जॉन अब्राहम लड़ रहे हैं, और दोनों की लव स्टोरी भी चल रही है, गाने चल रहे हैं, और जहाँ पे वो गाना आता है ना इलिया वाला जो सॉन्ग बजता है ना, वहाँ पे तो मतलब इंसान खो ही जाता है। बहुत इंगेजिंग और बहुत इंटरटेनिंग मुझे ये ट्रेलर लगा, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। तो जैसा मैं बोल रहा था शुरू में, लगा कहानी वहीं से स्टार्ट हो रही है। अब आप लोग सोचेंगे कि उसका कोई बेटा होगा रितेश देशमुख का, लेकिन शायद से आप ध्यान कीजिए, एक विलन मुझे भी इतना ध्यान नहीं है उसमें, उसका कोई बेटा बेटा होने मतलब कुछ जैसा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नामर्द बोलते हैं, नामर्द था उसमें शायद से वो रितेश देशमुख, तो बच्चा बच्चा तो हो नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी उसी से जुड़ी है, इतना तो कन्फर्म कर दिया। तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक निकालेंगे इसमें जब हम मूवी देखने जाएंगे। फिर लगता है कि अर्जुन कपूर हैं, अर्जुन कपूर की जब वो वन साइडेड लवर का मसीहा बनना चाहता है तो अर्जुन कपूर की लव स्टोरी तो इतनी अच्छी चल रही है। लास्ट तक आते आते हमें लगता है कि जो दो लड़कियां हैं तारा सुतारिया और दिशा पाटनी, ये सब कुछ वो कर रही हैं। और एक वो फील जो उसमें, अब देखो वो श्रद्धा का जो चार्म था वो तो कोई भी मैच नहीं कर पाया, जैसे उसमें उन्होंने बोला था ए विलन, इसमें भी तारा सुतारिया बोलती दिख रही हैं ये विलन, तो उस तरह का फील उसमें थोड़ा नहीं आया। लेकिन बाकी ट्रेलर बहुत अच्छा है, अर्जुन कपूर बहुत सॉलिड लगे हैं, जॉन अब्राहम हमेशा की तरह जैसे वो लगते हैं वैसे लगे हैं, दोनों लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके लिए दोनों लड़कियों को रखा गया है वो आपको भरपूर देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और बाकी तो गाने मैंने आपको बता ही दिया है, इस साल का सबसे बेहतरीन लव एंथम अब आने वाला है, जब भी आएगा उस पर बात करेंगे, और अभी ट्रेलर 3-4 बार देखूंगा और चीज़ें इसमें से खोजूंगा, ब्रेकडाउन भी करेंगे। तो उन सबको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, और अपना जरूर से बताएं आपको कैसा लगा ट्रेलर, कैसा नहीं लगा। सुबह से वेट कर रहा था, फाइनली अभी मैंने देखा, पसीना आ रहा है, काम भी चल रहा है घर पर, आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ भी आ रहा होगा, लेकिन मैंने कहा वीडियो बनाना है और देखेंगे और बनाएंगे, मतलब ब्रेकडाउन करेंगे इसका। तो उन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।